क्योंकि ये आदमी क्या कर रहा है, जिसको पार्किंग अलॉट किया गया है यहाँ फल वाले को लगवा देता है, पैसा लेता है, वहाँ पे फल वाले को लगवा देता है, और वकील अगर पार्किंग करता है कहीं तो उसके साथ मारपीट करता है। मैं मान ही गया सर। जी अगर आप बीच में, अरे हम लोग नहीं छोड़वाते हैं, वो तो कोर्ट छोड़ता है, वो वही सुनिए, हम ये चाहते हैं कि कोई नहीं एनएससी को वो लोग आके एश्योर कर दे कि यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग हम लोग अलग थोड़ी है, एकदम हटे ये दो मिनट कर लीजिए, आप दो मिनट गुनाह साहब कर लीजिए ना, कर परिसर में ऐसा है कि हमारा अपना अधिवक्ताओं का यहाँ भवन है और हमारे ये कोविड-19 के तहत अधिवक्ता चूंकि हाईकोर्ट का डायरेक्शन है भवन के अंदर बैठ नहीं सकते, हम बाहर बैठ के किसी तरह से समाज के लोगों का सेवा कर रहे हैं और उसी में जेएनएसी जो है हमारे जमशेदपुर में नोटिफाइड एरिया, उन्होंने किसी को पार्किंग दे रखी है। पार्किंग किसको अलॉट है हमको जानकारी नहीं है। आज पार्किंग के एवज में जो किसी को भी अलॉट है, शिव कुमार सिंह है शिव कुमार उसको बोलते हैं, उनके पिता का नाम दीपक सिंह है, वो भी पेशे से अधिवक्ता है, सेल्टेक्स में प्रैक्टिस करते हैं और ये शिवू आकर के हमारे वकील किसी से बदतमीजी की जिसके चलते यहाँ काफी हंगामा हुआ। तो हमारे अधिवक्ताओं ने यहाँ तय किया ये सड़क पे गति अवरोध करके कि भैया जब तक यहाँ पे उस सेल्टेक्स बिल्डिंग से लेकर के और डीसी ऑफिस तक जेएनएसी के कल से यहाँ पार्किंग बंद हो जाना चाहिए और साक्षी थाना प्रभारी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लिखित में ये दे दें, हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जब तक डीसी और साहब और हमारे एसडीओ साहब हम लोग को एश्योर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के मातहत अपना जेएनएसी आता है और अगर वो ऐसा करते हैं तब जाकर के हम लोग यहां से अपना काम जो सड़क रोकने का काम है अभी हम लोगों किए हैं, हम लोग का ये एक तरह से दुख प्रकट करते हुए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी भी पब्लिक को दुख देना नहीं चाहते हैं, लेकिन थाना प्रभारी ने रिक्वेस्ट किया तो अब आवागमन का रास्ता फिर से सुचारू रूप से चालू हो गया है। ये 10 मिनट के लिए अवरोध जरूर रहा था और आश्वासन मिला है कि ये पार्किंग की व्यवस्था यहां से खत्म की जाएगी। तो हम लोग अपना एक दरखास्त दे रहे हैं डीसी को, जिस किसी को भी पार्किंग मिलता है किसी किसी को चाय वाले को लगवा देता है, इस तरह से ये चल रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कल से यहां पे इस तरह की कोई घटना नहीं होने वाली है और किसी भी पार्किंग वाले को हम लोग यहां टिकट काटने नहीं देंगे, चाहे वो जेएनएससी का हो चाहे किसी, ये रंगदारी निकाल रहा है और जेएनएससी को कोई अधिकार नहीं है कि कोर्ट बिल्डिंग के सामने कोई पार्किंग की व्यवस्था करके दे, वो उनका कोई अधिकार नहीं है। हम लोग डीसी साहब से अपनी पार्किंग की व्यवस्था का इंतजाम खुद कर लेते हैं।